Hello everyone, welcome back to our channel and I hope you all are doing well. So I am Shalini Verma and I am providing here online classes for fine arts. And if you are new to my channel, then first subscribe, share with your friends and also comment. So if you want PDF of my my Telegram page. Okay, so move on to important questions for Pahadi school painting for assertion and reason. So this is question number one. Assertion कहता है कि ये statement है and reason कहता है कि ये इसका सही reason है या नहीं, ये आपको देखना है. So question number one, assertion. Sub schools of Pahadi schools, Pahadi school के sub school बता रहा है, जयपुर, बीकानेर एंड बूंदी. सो क्या जयपुर, बीकानेर और बूंदी इसके सब स्कूल्स हैं? नो, बिकॉज दीज आर सब स्कूल्स ऑफ राजस्थानी स्कूल. सो ये हमारा हो जाता है फॉल्स. असर्शन जो है वो फॉल्स है. एंड रीजन कहते हैं डेवलप्ड इन हिल स्टेट्स ऑफ पंजाब. सो हिल स्टेट्स में, हिल्स में यानी पहाड़ों में, पंजाब एंड जम्मू एंड जो भी था यहाँ पे सेंड रिवर इंडस के किनारे ट्रिब्यूट, जो फाइव ट्रिब्यूटरीज थी वहाँ पे जो डेवलप हुआ इज नोन एज पहाड़ी मिनिएचर. सो दिस इज ट्रू, रीजन ट्रू है बट ए इज फॉल्स. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. सो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टू कहता है पहाड़ी स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय राजस्थानी स्कूल एंड मुगल स्कूल. सो यस, ए कहता है, असर्शन कहता है कि पहाड़ी स्कूल का जो इन्फ्लुएंस है वो मुगल स्कूल एंड राजस्थानी स्कूल, ठीक है, कि इन दोनों का इस पर प्रभाव पड़ा है. एंड रीज़न क्या कहता है, ऑल्सो नोन एज राजपूत स्कूल एंड हिंदू स्कूल. अब राजपूत स्कूल एंड हिंदू स्कूल किसको कहते हैं? अगर आपने मेरी पहली असर्शन रीज़न वाली वीडियो देखी है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि किसे कहते हैं. नहीं देखी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखिएगा ज़रूर. सो राजपूत एंड हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं राजस्थानी को. सो ए जो है assertion इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन ए, assertion कहता है यूज ऑफ बीटल विंग्स. सो बीटल विंग्स का यूज होता था पहाड़ी स्कूल में, कहाँ पे? डायमंड्स इन ऑर्नामेंट्स वगैरह में, और नैरो स्काई बनाया जाता था उसमें, एंड जो बॉर्डर है वो रेड कलर का होता था, ठीक है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने यहाँ पे बता दिए. एंड रीज़न क्या कहता है, पेंटिंग्स वर पेंटेड ऑन वास्ली. सो वास्ली कब, कहाँ यूज़ होता था? वास्ली इज़ आल्सो यूज्ड इन राजस्थानी स्कूल, नॉट पहाड़ी स्कूल. सो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे ट्रू है बट आर फॉल्स है. आंसर नंबर सी. सो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, कृष्णा विद गोपी. सो कृष्णा विद गोपी क्या है, यहाँ पे एक पेंटिंग है कृष्णा विद गोपी. सो पहाड़ी स्कूल में है दो पेंटिंग्स और दोनों पेंटिंग्स को बहुत ही अच्छे से करना है. सो इनमें से एक है कृष्णा विद गोपीज. सो कृष्णा विद गोपीज इज पेंटिंग ऑफ पहाड़ी स्कूल, ये यहाँ पे कहा है. एंड मीडियम ऑफ दिस पेंटिंग इज वाटर कलर ऑन पेपर एंड टेक्निक क्या है, टेम्परा है. सो दिस इज ट्रू.
बोथ ए एंड आर असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, मोनोक्रोम. मोनो मीन्स वन एंड क्रोम मीन्स कलर. एक ही कलर की शेड लाइट डार्क आप उसको कर सकते हैं, ठीक है. सो एक ही कलर की शेड के बैकग्राउंड होते थे, लार्ज आइज, बोल्ड ड्राइंग्स एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रास्टिंग कलर्स. कंट्रास्टिंग कलर्स थे, फेडेड कलर्स नहीं थे, ब्राइट कंट्रास्टिंग थे, ठीक है. दिस इज ट्रू. देन रीजन क्या कहता है, कलर्स जो थे प्राइमरी कलर्स भी थे, रेड येलो ब्लू भी था एंड मिक्स्ड कलर्स भी थे, ठीक है. तो बोथ आर ट्रू एंड दोनों एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. सो ए आर ए इज ट्रू, ए इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन कहती है गुलेर, बसोली, कांगड़ा, चंबा एंड पहाड़ी आर पहाड़ी स्टाइल्स. सो ये जो हैं दीज आर सब स्कूल्स ऑफ पहाड़ी स्टाइल. रीज़न क्या कहता है, मनकू, देवीदास, नैनसुख, मोलाराम रिलेटेड टू पहाड़ी स्कूल. तो ये रिलेट करते हैं पहाड़ी स्कूल से, दीज आर आर्टिस्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल. बोथ आर ट्रू बट this is not correct explanation of A because this is talking about sub schools and this is talking about artist. So answer ho jayega yahan pe B. So next question, Basoli style is also known as cradle of Pahadi style. Cradle matlab palna, जो बच्चे का पालना होता है वो क्रेडल. बसोली स्टाइल को कहा गया है. रीजन कहता है अगाटे वॉज यूज टू लैंड अ शीन स्मूथ फिनिश. किया जाता था बट राजस्थानी स्कूल में. सो बसोली स्टाइल, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये तो राजस्थानी स्कूल में किया जाता था, ठीक है. ओह सॉरी, ये आंसर बी आंसर आएगा यहाँ पे. गुलेर स्टेट इज फेमस एज बर्थ प्लेस ऑफ कांगड़ा स्टील. गुलेर स्टेट इज फेमस एज द बर्थ प्लेस ऑफ कांगड़ा पेंटिंग. The rise of Guler paintings started in what is known as the early phase of Kangra art. So ये दोनों ही एक ही बात घुमा फिरा के कह रहे हैं. तो Guler state जो है famous हुआ birth place Kangra paintings. तो Guler state में जो ऐसे कुछ characteristics हुई जो कि आगे जाके बना हमारा कंगड़ा पेंटिंग जिसको कहा गया. सो इसी बात को यहाँ पे घुमा फिरा के कह दिया है. सो दीज बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो डाइवर्सिटी इन सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे थे उसमें डाइवर्सिटी थी, डिफरेंस थे, मतलब अलग अलग थे, वैरायटी थी. यहाँ बोला है रिलीजियस थे एंड रोमांटिक भी थे एंड जनरल भी थे. सो रीज़न में क्या दिया गया, भगवत गीता रिलीजियस हो गया, गीत गोविंद बिहारी सतसई, 12 मासा यानी कि 12 सीजन्स जो होते हैं उन पे, रागमाला जितनी राग रागनियाँ होती हैं उन पे, पोइट्री ऑफ सूरदास एंड तुलसीदास उन पे. सो ये भी सारे अलग अलग रीजन के हो गए थीम्स एंड ये भी सब अलग अलग हो गए सब्जेक्ट्स. सो दीज आर बोथ ट्रू और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. चलो क्वेश्चन नंबर 10, 5 गोपीज. अब यहाँ पे आ जाती है एक्सप्लेनेशन. सो एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत अच्छे से करनी है, आपको पता होना चाहिए कौन सी पेंटिंग है. सो 5 गोपीज, 5 गोपियाँ हैं यहाँ पे, हैव बीन शोन अराउंड कृष्णा.
कृष्णा के अराउंड दिखाई गई है 5 गोपीज, एंड कृष्णा जो है वो सेंटर में है पेंटिंग के, एंड कृष्णा इज वियरिंग ब्राइट येलो ड्रेस उन्होंने पहनी है, और ऊपर उन्होंने ऑर्नामेंट्स वगैरह पहने हैं, और जो उनकी ज्वेलरी है ताज है विद पिकॉक पम, जो उनके मोरपंख है उनके साथ। रीजन क्या कहता है, द थीम ऑफ दिस पेंटिंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम गीत गोविंद, तो ये जो सब्जेक्ट है इस पेंटिंग का ये लिया गया है गीत गोविंद से, और इसके आर्टिस्ट हैं मनकू, मनकू जो आर्टिस्ट हैं। तो पेंटिंग कौन सी है ये, कृष्णा विद गोपीज। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए, सो ए इज योर करेक्ट आंसर, बोथ असर्शन एंड रीजन जो है वो ट्रू हैं, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन कहता है मीडियम ऑफ नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्स मैन गोइंग टू वृंदावन, जो ये पेंटिंग है इसका मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, एंड रीजन कहता है इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भगवत पुराण। सो ये भी दोनों सही हैं, एंड दिस इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12, ए कहता है कृष्णा इज वियरिंग अ ब्राइट येलो एंड अपर बॉडी इज नेक बट ऑर्नामेंटेड, सो ये बात कर रहा है कृष्णा विद गोपीज की, और इसमें इसके साथ गोपियां भी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने बता दिया है कि इसका टाइम पीरियड है 1730, सो एक एक चीज आपको पेंटिंग की इसमें याद रखनी है। सो यस दीज आर बोथ ट्रू, एंड ये इसका सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंद यशोदा वाली जो पेंटिंग है उसके आर्टिस्ट हैं देवीदास, बट दिस इज फॉल्स, देवीदास तो नहीं है इसके आर्टिस्ट। कौन है इसके आर्टिस्ट, इसके आर्टिस्ट हैं नैनसुख, एंड कृष्णा विद गोपीज के आर्टिस्ट कौन है, इसके आर्टिस्ट हैं मनकू, ऊपर आया था ना मनकू इज आर्टिस्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 में। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं यहाँ पे। कृष्णा ऑन स्विंग पेंटेड पेंटिंग जो है वो पेंट की गई है बाय नैनसुख, एंड सब स्कूल में बताया गया है कि ऑफ गुलेर, कृष्णा ऑन स्विंग पेंटेड बाय नैनसुख, सो ये भी गलत है, एंड सब स्कूल ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग गुलेर की कैसे है, गुलेर में नहीं है, ये पेंटिंग है राजस्थान से, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो बोथ आर रॉन्ग। हाजी मदानी बिलोंग्स टू सावन सिंह पीरियड, नो हाजी मदानी इज बिलोंग्स टू मुगल पीरियड और शाहजहां पीरियड वी कैन से, ठीक है। एंड कृष्णा विद गोपीज, कृष्णा विद गोपीज जो कलेक्शन है पेंटिंग अभी है फिलहाल कहाँ पे, हमारे एनम एंड डी यानी कि नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली, नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में उसका आप अभी देख सकते हैं। सो 5th का आंसर क्या होगा, ए जो है वो गलत है बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो ये थे आपकी आज की असर्शन एंड रीजन फॉर पहाड़ी स्कूल। सो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो देन प्रेस द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट, एंड कोई और टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए हो देन वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर माई न्यू अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस, एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम
पेज पे. सो स्टे कनेक्टेड एंड डू योर बेस्ट फॉर योर बॉड्स. थैंक यू सो मच.